नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई सरकार बनाएगी फ्री में पासपोर्ट घर बैठे। जी हाँ, इस टॉपिक पे अब आप वीडियो पूरा देख लीजिए भाई, तब समझ में आएगा। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टेटों में ऐसी सुविधा नहीं है, लेकिन कुछ सरकार हैं जो लोकल सरकार स्टेट लेवल पे उन्होंने ये सुविधा स्टार्ट कर दी है। घर बैठे पासपोर्ट का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि आप घर बैठे हो पासपोर्ट बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने कुछ अपनी नियम लेके आई है जो 2021 की अगर हम बात करें तो हरियाणा सरकार की। जी हाँ भाई, उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने ये साफ साफ अपने जो कानून जो नया बनाया उसमें साफ साफ ये बात मेंशन की है कि जो लोग कॉलेज में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सीनियर के बाद आपको पता है कॉलेज आती है, उस कॉलेज में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पासपोर्ट बन जाएगा। जी हाँ, हालांकि आपको सबको पता है पासपोर्ट बनाने की एक जटिल प्रक्रिया है, आसान काम नहीं होता पासपोर्ट बनाना, बड़ा लंबा झंझट होता है, फीस भी लगती है, 1500 रुपए फीस लगती है, एक कैंडिडेट का लगभग 2000 के करीब खर्चा आ जाता है। बहुत सारे गरीब स्टूडेंट होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, उनका इच्छा होती है पासपोर्ट बनवाए, लेकिन बनवाए कहां? पहली बात तो पैसा नहीं होता, घर वाले कई बार पैसा देने में सक्षम नहीं होते, वो देना नहीं चाहते, ठीक है। तो इसमें फिर आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ, पुलिस स्टेशन जाओ वगैरह वगैरह, बहुत लंबा 1.5-2 महीने का प्रोसेस जाके तब जाके पासपोर्ट बन के हाथ में आता है। जी हाँ, लेकिन हरियाणा सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। मैं बता दूं, वो जो भी कोलीपुरी हरियाणा में जितने भी स्टूडेंट हैं कॉलेज में जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका वो अपने स्तर पे पासपोर्ट बनवाएगी, जबरदस्ती चाहे, ये समझ सकते हैं, आपकी मर्जी नहीं है पासपोर्ट बनाने की, फिर भी वो बना के देगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, ये अच्छी न्यूज है। इसके पीछे क्या फायदा है आपको, आपको बेनिफिट देखिए कितना अच्छा है इसमें, कि भाई आपको नहीं तो कहीं जाने की जरूरत, नहीं कहीं आने की जरूरत, आपके पास 3 से 4 डॉक्यूमेंट, 10वीं की मार्कशीट, वोटर आईडी, आधार कार्ड वगैरह, 3-4 डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आपको उनको ओरिजिनल एक बार देने होते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट वहीं चेक कर लेंगे, वहीं आपको फॉर्म भरा जाएगा, वहीं आपका पासपोर्ट बनके तैयार हो जाएगा और तुरंत प्रभाव से आपको पासपोर्ट 15-20 दिन महीने के अंदर जो भी प्रोसेस होता है आपको पासपोर्ट बनके मिल जाएगा। जी हाँ, अब तक मेरे हिसाब से 10,000 से ऊपर पासपोर्ट बन सकते हैं। हालांकि बहुत सारी लोगों को, स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि ऐसा प्रोसेस है, क्योंकि सरकार ने इसको मान सकते एडवर्टाइज नहीं किया। भाई सरकार अगर एडवर्टाइज करेगी तो लोगों तक न्यूज पहुंचती है ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि अच्छी जो होते हैं ना, जो लोगों के हित में, उसका सरकार कहीं देख लो कम ही करती है एडवर्टाइज। हाँ, चुनाव आ गए, अपना चुनाव चलाना है तो वो एडवर्टाइज इतना लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, वो खर्च हो सकते हैं, लेकिन ऐसी योजना है ना वो बहुत कम एडवर्टाइजिंग में की जाती है ताकि लोगों को पता लगे, लेकिन फिर भी 10,000 के करीब अब तक पासपोर्ट बने हैं। इसमें देखिए बेनिफिट, आप जो स्टूडेंट हैं हरियाणा के या फिर और भी सरकार इसको लागू कर देती है तो 4 से 5 पॉइंट मैंने नोट करके रखे मेरी तरफ से कि ये आपको बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे। पहली बात तो जटिल प्रक्रिया पासपोर्ट बनाने की, उससे आप बच जाओगे, आपका समय बच जाएगा, आपका पैसा बच जाएगा, गरीब लोगों का भला हो जाएगा, इसमें ये बहुत अच्छी न्यूज है। सेकंड है पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन से, जब आपकी इंक्वायरी आती है तो 2 बंदों को पकड़ के आपको, साथियों को घर का मान्य नहीं होता, पड़ोसियों को लेके जाना होता है थाने में, कई बार आपका हेड कांस्टेबल नहीं मिलता, वेरिफिकेशन नहीं होता, समय पे बातचीत नहीं हो पाती, दोबारा जाना पड़ता है वगैरह वगैरह, इस तरह की प्रोसेस आती है, पुलिस वाले पैसा मांग लेते हैं, इस झंझट से आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेकंड बात अगर बात करें तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, बस ऑनलाइन आपको अपलोड करने होंगे, इसके अलावा वहां कोई झंझट ही नहीं रहेगा, फायदा है ना आपका, कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट दिखाते हैं वो ऑनलाइन अपलोड अपने आप कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये अच्छी बात है, पैसा नहीं लगेगा, गरीब लोगों को फायदा होगा, गरीब जो स्टूडेंट हैं उनका पैसा नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता पैसा, तो पैसा लगेगा नहीं, पासपोर्ट बनके एक ओरिजिनल इंटरनेशनल आईडी आपके हाथ में आ जाती है, कभी भी आप किसी भी देश में जा सकते हैं, कोई भी आपके पैसा पास, ऐसा अच्छा अवसर आता है कि अच्छा अवसर है लेकिन पासपोर्ट नहीं है, बहुत सारी जगह मैंने देखने को सुना है ऑफर आया पासपोर्ट नहीं था, नहीं जा पाया तो ऑफर कैंसिल हो गया। सबसे बड़ा 5वां पॉइंट मैंने नोट करके रखा है पुलिस केस। जी हाँ, आपको पता है कॉलेज में आने के बाद थोड़ा बंदा होशियार हो जाता है, तो किसी से भी लड़ाई झगड़े करना, पड़ोसी के साथ हो जाना, छोटी सी मारपीट का भी मुकदमा थाने में बहुत सारे स्टूडेंट लाइफ में लग जाते हैं, आपको सबको पता ही होगा, या कॉलेज जैसे पूरा करके आते हैं उसके बाद में अपन कोई कुछ भी काम करते हैं मुकदमा लग जाता है, चाहे आपने किसी को गाली दी नहीं दी, FIR थाने में हो गई, उसके बाद जब तक वो मुकदमा चलेगा तब तक पासपोर्ट नहीं बन सकता, ये इंडियन कानून बना हुआ ऐसा ही है, पासपोर्ट आप नहीं बना सकते चाहे आपको कितना इमरजेंसी केस क्यों ना हो। तो ये अच्छी न्यूज है कि कॉलेज टाइम में आपके पास पासपोर्ट बन जाता है, उसके बाद अगर केस लग जाता है या फिर किसी के साथ कोई FIR वगैरह कुछ भी XYZ हो जाता है तो ये दिक्कत आपको नहीं आएगी कि आप पासपोर्ट नहीं बनवा सकते, मुकदमा लगा हुआ है, पहले आपका पासपोर्ट बन जाएगा, तो इससे भी आप बच सकते हैं। पासपोर्ट हाथ में होता है ना तो भाई बंदा कमाने की सोचता है, विदेश जाने की सोचता है, लड़ाई झगड़े इनसे थोड़ा बचने की और अपने काम की सोचने लग जाता है,
तो मेरे हिसाब से हरियाणा सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया है, घर बैठे कॉलेज वाले बंदों के लिए पासपोर्ट बनाने जा रही है और स्टार्ट भी कर चुके हैं, 10,000 से ऊपर पासपोर्ट अभी तक बन चुके हैं। ये अच्छी न्यूज है भाई। वीडियो इस योजना को और भी अन्य सरकारों को लागू करना चाहिए, जो बच्चों का भविष्य के साथ अच्छा हो, उनको अच्छा रोजगार मिल सके, अच्छे एजुकेशन के लिए वो विदेश जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।